my topic for today is on rebuild. और आज का मेरा जो विषय है वो पुनर्निर्माण के ऊपर में. And the character that I'm going to refer from Bible is on Nehemiah. और जो चरित्र मैं वचन के रूप से आपको बताना चाहूँगा उसका नाम है नेहमाया. When we hear about Nehemiah, it's all about rebuilding the walls. और जब हम नेहमाया के बारे में अगर कुछ सुनते हैं या जानते हैं तो हम देखते हैं कि पुनर्निर्माण उस दीवार का जो उसने किया था. Right now, entire world is going through pandemic. और अभी अगर हम ध्यान दें पूरी दुनिया जो है एक कठिन समय से गुजर रही है. Through this pandemic, we have seen many people have lost lot of things. और इस जो दुख के समय में तकलीफ के समय बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीजें खोई है. Few have lost their loved ones. और किस कुछ कुछ अपने प्यारों को अपने किसी ने खो दिया है. Few have lost their businesses. और कुछ लोगों ने अपने काम धंधों को खो दिया है. Few have lost their jobs. और बहुतों ने अपना जो है काम भी खो दिया है. It has hit us all very very hard. और इसने बहुत अच्छे रूप अच्छे तरीके से हमें झटका दिया है. And many people are struggling, they are in trouble, they are, some of them are already coming up, but some of them are still struggling to come up. और बहुत सारे लोग इसमें प्रयत्न कर रहे हैं कि वो इस पे बड़े इससे उभर के निकल के बाहर आ जाए. The need to rebuild is very much now within all of us. और उस पूर्ण निर्माण का जो आवश्यकता है जो जरूरत है वो अभी है इस समय है. In some or the other way, we all need to rebuild, we all need to come back, we all need to rebuild our lives. और कोई भी तरीके से इस तरीके से या उस तरीके से हम में से हर किसी को पूर्ण निर्माण करने की जरूरत है. यू नीड टू रीबिल्ड योर बिजनेस. आपको अपने जो काम को उसको पूर्ण निर्माण करना है. रीबिल्ड योर लाइफ, योर स्पिरिचुअल वॉक विद गॉड. रीबिल्ड योर फाइनेंसेस. रीबिल्ड योर रिलेशनशिप. और आपको अपने परमेश्वर के साथ में रिश्ते को पूर्ण निर्माण करना है. अपने काम के जगह को पूर्ण निर्माण करना है. अपने पैसे को पूर्ण निर्माण करना है. एज आई एम शेयरिंग दिस वर्ड इज मोर applicable to me. I need to rebuild lot of things in my life. और जैसे मैं वचन बता रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ तो ये चीज मुझ पे ज्यादा निर्भर करती है कि मैं इसको कैसे करूंगा. And when I was preparing, I was saying, Lord, I need to rebuild in so many areas of my life. और जब मैं इस वचन को बना रहा था लिख रहा था तभी मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे कितनी जरूरत है कि अपने जीवन में पूर्ण निर्माण खुद पहले करने की. The best character in the Bible is Nehemiah on rebuilding. और अगर आप बहुत ही मुख्य चरित्र को अगर आप बाइबल में देखते हैं तो उसका नाम नेहमाया बोल के वचन में हम पाते हैं. Let me give you a small brief on Nehemiah. और मैं नेहमाया के बारे में थोड़ी सी चीजें विस्तार में बताऊंगा. I said we all need to rebuild in our lives. और मैंने कहा कि हम में से हर किसी को पूर्ण निर्माण हमारे जीवन में करना है. And now we're going to look at life of Nehemiah, how he was able to rebuild the walls in record time. और हम अभी नेहमाया के जीवन में हम लोग ध्यान देंगे कि उसने किस तरह अपने जीवन में पूर्ण निर्माण को अपने जीवन में घटित किया. And what we can learn through his life. और हम उसके जीवन से क्या सीख सकते हैं. Nehemiah was a captive from Israel to Babylon. He was one of the captive from Israel to Babylon. और अगर नेहमाया के जीवन में देखेंगे तो नेहमाया एक तरीके का गुलाम था जो बेबीलोन की शहर के उस पे हुआ था. Nehemiah rose to the position of a cup bearer. और वो एक गुलाम के जगह से उठ के वो एक जगह से उठ के थोड़े दूसरे लेवल में वो आगे बढ़ा. What is the meaning of cup bearer? और cup bearer का मतलब क्या है? Cup bearer is a man of character. और cup bearer उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके जिसके चरित्र में बहुत सी गुणवत्ताएं होती है. A man who is loyal. और ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है. Who is honest. बहुत सही बातें करता है. हार्ड वर्किंग. और जो बहुत ज्यादा मेहनती है. Who's trustworthy. और जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है. Nehemiah was a captive. Nehemiah was a slave from Israel, from in Babylon. और अगर आप नेहमाया के बारे में जानेंगे तो वो एक गुलाम था जो इसराइल से बेबीलोन के लिए जो वो गुलामी कर रहा था. बट ही रोज टू द पोजिशन ऑफ अ कप बेरर. और वो वहां से उस गुलामी से उठ के उस कप बेरर उस अच्छे चरित्र के व्यक्ति के रूप में वो आगे बढ़ा. Cup bearer plays a very, very important role in king's life during that time. और अगर आप उस समय में अगर आप ध्यान देते हैं तो एक cup bearer जो वो व्यक्ति था वो जो राजा के जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाता था. Whatever the life, the health of the king, the safety of the king depends on cup bearer. और जो भी हर एक चीज की अगर सुरक्षा और जीवन बचाने का हर चीज वो जो है cup bearer के ऊपर वो जो है नेहमाया के ऊपर आता था. For example, if there is a water a king needs to drink.
और इसका उदाहरण मैं दूंगा कि अगर वहां पे पानी है तो राजा को वो पानी पीना है. The cup bearer drinks it first. और उसके बदले पहले वो कप बेरर जो उसका जो ध्यान रखने वाला है वो पीता है. And only then the king takes it. और फिर उसके बाद में जब उसकी पुष्टि हो जाती है तब जाके राजा पीता है. If there's a poison, the cup bearer dies. और अगर उसमें सपोज एक जहर होगा विष होगा तो पहले वो कप बेरर जो उसको संभाल रहा है ध्यान रखा वो मर जाएगा. But once the cup bearer tastes and giving to the king drinks it blindly. और जब वो कप बेरर अगर उसको पी के वो दे देता है तो वो राजा पूरे शांति के साथ उसको पी सकता है. In today's world we can say CM's right hand, chief minister of Goa's right hand. और CM हम chief minister के जो है सीधे हाथ दाहिने हाथ की समय हम बात करेंगे. In this if you see Nehemiah was a slave, he rose to the position of a cup bearer. और नहमाया जो था वो एक गुलाम था और उस गुलाम से लेके वो उस लेवल तक पहुंचा उस मंत्री तक पहुंचा. Imagine a beggar in Mapsar bus stand becomes the chief minister's PA. और आप ऐसा कह सकते हैं कि एक भिखारी जो मापसा के इस पे है वो सीएम का एक अच्छा दाहिना हाथ बन जाता है. Nehemiah rose to the position of a cup bearer because he was a man of character. और वो उस गुलामी के पक्ष से उतर के नहमाया जो है उस मंत्री के इस पे वो पक्ष में पहुंचा. If you go further, the wall of Jerusalem was broken for many years. और अगर आप आगे बढ़ के इस कहानी में देखते हैं तो वहां की जो यरूशलेम की जो दीवार थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी. Many saw the need to rebuild the wall. और बहुत सारे लोग ने देखा कि इसको फिर से बनाना चाहिए, पूर्ण निर्माण करना चाहिए. But all they needed was a leader to go and implement the plan. और वहां पे उनको एक पक्के एक मंत्री की जरूरत थी जो आगे जाके उस योजना को सफल करे. Like Nehemiah, many people saw the need of rebuilding the wall of Jerusalem. और नहमाया की तरह ही बहुत से लोगों ने इस बात पे ध्यान दी कि उस दीवार का पूर्ण निर्माण होना जरूरी है. But Nehemiah took the step of faith and went ahead in building the wall. और यहाँ पे नहमाया ने एक विश्वास का एक अपना कदम आगे बढ़ाया और उस दीवार को बनाने के लिए पूर्ण निर्माण करने के लिए आगे बढ़ा. We know he built it in record time of 52 days. और हम जानते हैं कि उसने 52 दिनों के अंदर इस दीवार को बनाया. My challenge to you this morning, the word that I want you to take away when you go out is this. और मैं आपको ये बात चुनौती देना चाहूंगा कि यहाँ से जब आप लिख ले तो ये वचन अपने साथ लेके जाइए. What is keeping you away from rebuilding your life? और आपको क्या दूर रखता है आपके जीवन को पुनः निर्माण करने से? Is it your finances? Is it your business losses? वो क्या आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है? I want to tell you this thing this morning. We all can rebuild. और मैं आज की सुबह आप सबको बताना चाहूंगा कि हम में से हर कोई पूर्ण निर्माण उसे फिर से बना सकता है. How can we rebuild? और कैसे हम उसे पूर्ण निर्माण कर सकते हैं? We are going to look what steps did Nehemiah take to rebuild the wall of Jerusalem. और हम यहाँ पे नहमाया की कहानी में ध्यान देंगे और उसने कैसे कैसे कदम उठाए इस दीवार को फिर से खड़ा करने के लिए. Let me repeat this again. Nehemiah was a captive slave. He rose to the position of a cup bearer. He built Jerusalem wall in record 52 days. और मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि नहमाया जो था वो एक गुलाम था, वो वहां से उठ के एक मंत्री के पद पे आया, वहां से वो जो जेरूसलेम की दीवार को बनाने अब वो जा रहा है. What is stopping you to rebuild? और आपको क्या रोकता है उस चीज को पूर्ण निर्माण करने से? Let's look what steps Nehemiah took to rebuild the wall. ऐसे चीजें क्या जो नहमाया ने एक एक अपने जीवन में घटित क्या इस चीज को जाना और कैसे दीवार बनाया? The first step Nehemiah took, he identified the problem. और जो पहला जो स्टेप और जो पहला जो कदम जो नहमाया ने अपने जीवन में लिया, उसने समस्या को गहराई तक उसको समझने की कोशिश किया. Let's look into the Bible. Nehemiah chapter 1 verse 1 to 4. और हम नहमाया की पुस्तक में उसका पहला अध्याय उसका 1-4 तक का पद पढ़ेंगे. और हम अगर वचन के इस पंक्तियों में अगर हम ध्यान लगाते हैं, नहमाया आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम. और यहाँ पे नहमाया ने उस समस्या के अंदर जाके उस समस्या को समझा. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? यहाँ पे समस्या क्या थी? द वॉल ऑफ जेरूसलेम वाज ब्रोकन. और यहाँ पे जो यरूशलेम की जो दीवार थी वो पूरी तरह नष्ट और टूट गई थी. And he identified the problem. The wall of Jerusalem is broken. और उसने उस समस्या को समझा. When he got the news that the wall was rubble and the name of God was mocked,
और यहाँ पे जब नहमाया ने सुना कि यरूशलेम की जो बड़ी दीवार है पूरी तरह नष्ट हो गई है, पूरी मिट्टी में मिल गई है, और परमेश्वर की नाम को लोग वहाँ पे मजाक बना रहे हैं, उसकी उसको गलत तरीके से बोल रहे हैं। नहमाया वेप्ट व्हेन द नेम ऑफ गॉड वाज बीन मॉक्ड Nehemiah wept. Nehemiah cried at the feet of Jesus Christ. और जब यहाँ पे नहमाया ने सुना कि परमेश्वर के नाम की लोग निंदा कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, यहाँ पे नहमाया रो उठा दिल से. Similar in our lives. और इसी तरह हमारे जीवन में भी. If you and I need to rebuild. और हमको और आपको अगर पूर्ण निर्माण करना है. We need to identify the problem. हमें उस समस्या को समझना पड़ेगा. You are having some problem with your business. अगर आपके काम धाम में आपको कुछ समस्या है. What is the problem in business? Why? Identify the problem, exact problem. Why your business is not doing well, or what is the issue with business? और अगर आपके काम धंधे में अगर बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, वहाँ पे क्या गड़बड़ है, वहाँ पे क्या तकलीफ है, उसे हमें जानना है. If there is some issues in your relationship, identify the problem. और आपके अगर रिश्तों में अगर कहीं कुछ तनाव है तो उस समस्या को आपको समझना है. And when you identify the problem, what did Nehemiah did when he saw the wall of Jerusalem was broken? Nehemiah wept. और यहाँ पे जब नहमाया ने देखा कि यरूशलेम की जो दीवार पूरी तरह नष्ट हो गई है, वो रो पड़ा. He wept. और वो रोता रहा. Similar to our situation, if you identify a problem, there's a problem. We should go at the feet of Jesus Christ and weep. और ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हमको ऐसी कुछ समस्या समझ में आती है, तो हमारे पास एक रास्ता है कि हमें भी परमेश्वर यीशु के चरणों में जाके हमें भी इस प्रकार रोना है. People were mocking at him. When he got to know the name of God has been mocked. और लोग उसको ताड़ना दे रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे, और परमेश्वर के नाम की मजाक बना रहे थे. जब उसने ये देखा और ये उसने सुना, he didn't feel pity about himself or anything. He just went and wept. और उसको कुछ खुद के ऊपर दया नहीं आई, वो परमेश्वर के चरणों में गया और वो रोने लगा. When I started sharing, I told you this is more applicable to me than. और जैसा मैंने शुरुआत किया था वचन का, मैंने कहा था कि ये आपसे ज्यादा मुझ पे निर्भर करता है. What Nehemiah did when he heard the wall of Jerusalem was broken. यहाँ पे नहमाया ने क्या किया, जब उसने देखा कि यरूशलेम की दीवार पूरी तरह नष्ट हो गई है और वहाँ पे परमेश्वर के नाम का मजाक बना रहे हैं, वो रो के उसने प्रार्थना किया. What is stopping you to identify your problem? Go at the feet of Jesus Christ, weep, pray. और आपको क्या चीज रोक रही है कि उस समस्या को जानने के लिए यीशु के चरणों में आओ, आप भी इस तरह प्रार्थना करो और रो के उससे मंगो. The first thing Nehemiah did, identified the problem. और पहला चीज यहाँ पे जो नहमाया ने किया, उसने समस्या को समझा. The next step that he took. और दूसरा कदम जब उसने बढ़ाया, he interceded for the people. और वो लोगों के माध्यम से प्रभु के चरणों में लोगों को जोड़ा. In other word, repentance and got connected to God. और उसने हर एक वस्तु का पश्चाताप किया और परमेश्वर के उस जुड़ाव को अपने जीवन में जोड़ा. Let's quickly turn our Bibles to Nehemiah chapter 1 verse 5 to 10. और हम जल्दी से अपना वचन खोलेंगे नहमाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 to 10 और 5 से उसका 10 का वचन हम पढ़ेंगे. In this portion we see. और इन पत्तियों में हम देखते हैं Nehemiah is repenting for his people. He is interceding for the people. और यहाँ पे नहमाया जो है वो अपने लोगों के लिए जो है पश्चाताप कर रहा है, अपने लोगों के लिए उस विषय में प्रार्थना करके उस चीजों को मांग रहा है. He says, "We have sinned." और वो कहता है, "We have sinned." Sinned. हम लोग ने बहुत पाप किए हैं. He is interceding for the people. और वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर के चरणों में है, उनसे बातें कर रहा है. And he is also reminding God of the promises that God had told them. और वो हर एक चीजों को दोहरा रहा है कि जो वाचा, जो वादा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों इज़राइलियों को किया था, उसको दोहरा रहा है. What is he doing? He is repenting and he is getting connected to God. और वो क्या कर रहा है? उस चीज़ से पश्चाताप मांग रहा है और परमेश्वर के उस जुड़ाव में वो एकत्र हो रहा है. If you need to rebuild something. और अगर आपको किसी का पूर्ण निर्माण, किसी चीज़ का पूर्ण निर्माण. If something is holding you back from rebuilding. और अगर आपको कुछ वस्तुएं रोक रही है उस चीज़ को पूर्ण निर्माण करने से. Repent. और वहाँ पे आप पश्चाताप करें.
You can't move forward without repentance. और आप बिना पश्चाताप के आगे नहीं बढ़ सकते. If you want to be successful, if you want to grow in life, you have to repent. There are areas that we need to repent in our lives. और अपने जीवन में परिपूर्ण होना चाहते हैं, फलदायी का जीवन पाना चाहते हैं, तो आपको पश्चाताप करना जरूरी है. When you repent, you will get connected to God. और जब आप पश्चाताप करेंगे, तब आप परमेश्वर के जुड़ाव में जुड़ जाएंगे. Nehemiah interceded for the people. और यहाँ पे नहमाया जो है अपने लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा है. He got connected to God again. और परमेश्वर के साथ उसका वो जुड़ाव फिर से हो गया. Without getting connected to God, he was not able to move further. और उस जुड़ाव के बिना, परमेश्वर के जुड़ाव के बिना वो आगे बढ़ने को योग्य नहीं था. Even for me today to come and preach, there are areas, there were a lot of unforgiveness in my life, there were a lot of things I was carrying from past. और आज मैं प्रचार करने से पहले मेरे भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे बीते हुए कल में है, जो मुझे रोक रही थी प्रचार करने से. I had to ask God for forgiveness. I had to repent and get connected to God to come and preach this morning. और आज की मुझे प्रार्थना करा मैंने उस चीज को और प्रार्थना से मांगा और पश्चाताप करके कहा कि मुझे आज के दिन प्रार्थना. I was supposed to share this word last month, but I was finding it so difficult. और ये वचन मैं गए हुए महीने में बताना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत I was carrying unforgiveness in my heart, I was carrying garbage from the past. और मैं अपने अपने दिल में जो भी मेरे पीछे बीता हुआ कल है, उसके जो बुराई है, उसे लेके चल रहा था. When Dorothy called me and said you have to preach, I said yes. और जब Dorothy ने कहा कि तुमको आज प्रचार करना है, मैंने कहा हाँ. Last month when she said, I said yes, but a week of preaching, I just backed out. I said, I am unable to do it because there was a lot of unforgiveness. I was not connected to God. और जब प्रचार का समय आया तो मैंने अपने कदम पीछे ले लिए और मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैंने पश्चाताप नहीं किया हूँ, इसके लिए मुझसे नहीं हो पाएगा. मैंने अपने कदम पीछे ले लिए. यू कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू गॉड. और आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपका जुड़ाव उस परमेश्वर के साथ. इफ यू नीड टू रीबिल्ड, यू नीड टू रिपेंट, यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू गॉड दिस मॉर्निंग. और अगर आपको पूर्ण निर्माण करना है तो आपको परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा और उस चीज के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग नहमाया डिड इज ही आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम. और पहला वस्तु यहां पे नहमाया ने किया कि उसने समस्या को समझा. ही वेप्ट, वो रोया. He interceded, he repented and got connected to God. और उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से जुड़ाव किया और वो आगे बढ़े. The next step that he took, he interacted with the powers. और वहाँ पे उसने तीसरी चीज़ ये की कि उसने जाके जो भी शक्तियाँ थी, जो भी सामर्थ्य वाले व्यक्ति थे, उनसे जाके उनने जोड़ किया, उनसे मिला. First he identified the problem. पहला उसने जो है समस्या को समझा. He repented and got connected to God. उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से जुड़ाव किया. The third step that he took is he interacted with the powers. और वो तीसरा काम उसने यही किया कि जो शक्तिशाली लोग थे, जो शक्तियां थी, उनसे जाके उनसे बातचीत की, उससे मिला. Let's read the Bible. Nehemiah chapter 2 verse 1. और नहमाया का दूसरा वचन उसका 2:1-6. दूसरा अध्याय उसका 1 से लेके हम 6 तक पद पढ़ेंगे. Amen. When you look into this portion, और आप जब इस पंक्तियों में ध्यान देते हैं, Nehemiah knew the wall of Jerusalem needs to be rebuilt. और वहाँ पे नहमाया को ये चीज़ के पता था कि यरूशलेम की उस दीवार को फिर से पुनर्निर्माण करना है. He went and interacted with the kings. और वो गया, उन्होंने राजा के साथ में बात किया. He created a passage to go to Jerusalem. और उसने एक ऐसा मार्ग बनाया जहाँ से वो यरूशलेम के शहर में जा सके. These are the same kings. These are the same people who broke the wall of Jerusalem. और ये वही लोग हैं जिन्होंने उस जेरूसलेम की दीवार को नष्ट किया था. But he went to them. How was he able to go there? और वो वहाँ गया, लेकिन वो जाने किस तरीके से वो वहाँ गया? Because he was connected to God before this. He was connected to God. और इसके पहले वो परमेश्वर के साथ उसका जोड़ था, वो जुड़ा हुआ था. He went to the king. और वो राजा के पास गया. He created a passage to Jerusalem. उसने जाने का एक मार्ग बनाया. He used their resources. और उनके जो जितने भी कार्यशाली थे, जितने भी उनके काम की वस्तु थी, उनसे उसका काम निकाला. Maybe they must have used the same resources to break the wall. Who knows? और शायद वही वस्तुओं से शायद उन्होंने दीवार को नष्ट किया होगा, किसे क्या पता. He used their resources to build the wall of Jerusalem. और उनके ही वस्तुओं को कार्य में लाके उसने उस दीवार को पूर्ण निर्माण करने के लिए आगे बढ़ा. Isn't that amazing? और ये क्या बहुत अद्भुत बात नहीं है? Same people who broke the wall, when he got connected to God, he was able to go to them, speak to them, and create a passage to Jerusalem and use their resources to build the wall. और वही लोग जिन्होंने उस दीवार को नष्ट किया था, उन्हीं लोग के पास परमेश्वर के साथ जुड़ के लोगों के साथ बात करके उनके ही चीज वस्तुओं से उस दीवार को फिर से बनाने का मार्ग निकाला. Same for us, if you and I need to rebuild. और आप ऐसा हमारे जीवन में अगर आपको हमको पुनर्निर्माण करना है,
We need to use the powers, the authority. और हमें उन शक्तियों का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है. Even the worldly people use the authority. और ऐसे ही देखे तो दुनिया के भी लोग इस तरीके से जो शक्तियों का उपयोग करते हैं. But the difference is we are connected to God. लेकिन यहाँ पे अलग ये है कि हम परमेश्वर से जुड़े हैं. When we go there, we already have the power of our Christ, and we can speak with authority. और जब हम उनके पास जाते हैं, तो हमारे पास उस मसीह का सामर्थ है, जिसके रूप में हम लोग उनसे बात कर सकते हैं. We can use the resources all around them. और हम जितने भी उनके आजू बाजू जो कार्य की वस्तु है, उसे हम उनके सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं. But the purpose will be to glorify the name of God. लेकिन यहाँ पे मुख्य ये होगा कि हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देना है. If your business is in trouble right now, अगर आपका काम अगर पूरी तरीके से चौपट हो गया है, if you need to rebuild, अगर आपको उसको पुनर्निर्माण करना है, you need resources, आपको उसके लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, interact with powers, और वो जाके उन शक्तियों से बात करना पड़ता people है. People higher than you, go and interact them because you have the authority of Jesus with you. और जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि आपके पास ये चीज की योग्यता, आपको परमेश्वर ने बनाया है कि आप उनसे जाके बात करें. नहमाया identified the problem. यहाँ पे नहमाया ने उस समस्या को समझा. He interceded for the people. और लोगों के लिए बीच में परमेश्वर से जुड़ा. In other words, he repented and got connected to God. दूसरे शब्द में उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा. He interacted with the powers. और वो जाके उन्हें उन शक्तियों से जाके बात किया. And what did he do next? उसने आगे का कदम क्या उठाया? When he got a passage to go to Jerusalem, जब उसे मार्ग मिल गया यरूशलेम की जगह शहर में जाने के लिए, he got the resources to rebuild the wall, और जब वहाँ सब वस्तुएं मिल गई जिससे वो दीवार को बना सकता है, he investigated the property, और वो जाके वहाँ पे परीक्षण करने लगा जितनी भी वहाँ पे संपत्ति थी उसके बारे में. He saw the wall of Jerusalem been broken, और उसने देखा कि यरूशलेम की दीवार पूरी तरह नष्ट हो गई है. He went to the wall, और वो दीवाल के पास गया, and he investigated, और उसने जाके वहाँ पे पूरा जांच पड़ताल किया. Let's quickly turn our Bible to Nehemiah chapter 12, verse 11 to 16. और नहमाया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, Nehemiah chapter 2, verse 11 to 16. 11 से उसका 16 का पद पढ़ेंगे. Amen. Amen. In this portion we see, और इन पंक्तियों में हम देखते हैं, he surveyed the challenge he was facing, और उसने जितने भी चुनौतियां थी उसका उसने खुद से परीक्षण किया. He got a handle of size and scope of scope of the problem. और उसने समस्या की कितने उसके बड़े कारण हो सकते हैं, कितना बड़ा वो हो सकता है, उसे समझा. He determined how many workers were needed. और उसने ये चीज का ध्यान लगाया कि कितने वहाँ पे काम करने वालों की जरूरत है. And what gift is needed to possess? What gifts are needed? और वहाँ पे क्या फल की जरूरत है, क्या तोहफे की जरूरत है. And how he might station them to finish the work faster. और वो किस तरीके से उन्हें बताएगा कि इस काम को पूर्ण रीति से कैसा पूरा करना है. Nehemiah saw there was a challenge. वहाँ पे नहमाया ने देखा कि वहाँ एक चुनौती है. He understood the size and scope of the problem. और उसने उस समस्या के उसके साइज को, उसके कितने बड़े उसकी How many workers are needed to rebuild? वहाँ पे कितने काम करने वालों की जरूरत है. And what position they need to be in? और उन्हें किन जगहों पे होना जरूरी है. Similarly, in our personal life, in our problems, और इसी तरह हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी, we need to determine what is the scope of problem. और हमें ये चीज को समझना है कि कितना बड़ा हमारे जीवन में चुनौतियाँ, वो तकलीफ है. What is required to rebuild it? और वहाँ पे किस क्या जरूरत है जिससे हम उसे पुनर्निर्माण कर सकते हैं. What position? What place it's needed? और किस जगह में, किस जरिए में हमें उसे लगाना है. For example, Nehemiah placed right people at right time. और यहाँ पे हम देखते हैं कि नहमाया ने सही लोगों को सही जगह पे वहाँ पे काम के लिए नियुक्त किया. If wall of Jerusalem need to be built, say from Mapsa to Kandolim, अगर यहाँ पे यरूशलेम की दीवार मापसा से कंदोलिम तक अगर हमें बनाना है, and if Pastor Ramdas is staying in Mapsa, और सोचिए कि पास्टर रामदास जो है मापसा में रहता है, he was allotted at this area of the wall to build, और उन्होंने उन्हें इस जगह का, इस एरिया का काम दिया करने के लिए कि दीवार यहाँ से आप बनाओ. Brother Dinesh was given the area of Parra, और ब्रदर दिनेश को जो है उनको पर्रा का एरिया दिया गया. And Pastor Thakur was given the area of Kandolim, और पास्टर ठाकुर को जो है कांदोलिम का एरिया दिया गया. What did he do here? यहाँ पे उसने क्या किया? Pastor Ramdas, if Pastor Ramdas was given Kandolim, और अगर Pastor Ramdas को अगर Kandolim का एरिया मिलता, he would have been worried what is happening to his family back home in Mapsa. और वो अपने परिवार के बारे में चिंता करते कि मापसा में जो मेरा परिवार है वो वहाँ रह रहा है, उनका क्या हो रहा है. What if the enemy attacks?
और क्या होगा अगर वहां पे दुश्मन का हमला हो गया? He would have not been fully focused there. वहां पे वो पूरी तरीके से अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे. But instead he was given a place in Mapsa. लेकिन जो चीज की उनको जरूरत थी, जो मापसा में उनको रहना था, to protect his family, he will do the work fast, he will work hard, he will make sure the wall is built in record time. और उसे वहीं पे रखा गया कि ये समय में, इस समय तक आपका दीवार यहाँ जगह का बिना चिंता के आप बना लीजिए. In that manner his family is safe. इस तरीके से उसका परिवार बचा गया. And the wall is getting built in record time. और वो दीवार अच्छी सही रीति से बढ़ रहा है. Isn't that amazing? ये कितनी अच्छी बात है. We need to know the size and scope of our problem. और हमें अपने समस्या के उसके साइज को और उस कितना बड़ा हो जा सकता है उसे ध्यान में रखना है. If you want to rebuild, अगर आपको पुनर्निर्माण करना है, you need to investigate. आपको हर चीज के जांच पड़ताल करना पड़ेगा. If in a garment store, if some you have a garment store, the next door neighbor is doing a booming business, but you're not doing any business. और अगर आपका एक कपड़े की दुकान है, लेकिन आपके बाजू के पड़ोस की दुकान में अगर वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, investigate what is the problem, why it's not happening. यहाँ पे आपको जांच पड़ताल करनी है, कुछ तो यहाँ पे क्या समस्या है. Maybe you're selling outdated clothes. शायद आप पुराने कपड़े बेच रहे होंगे. The other neighbor is already getting all latest one and is booming his business. और शायद वो नया जो बिजनेस जिसने शुरू किया, उसने शायद अच्छा नया कलेक्शन रखा है, वो अपना बिजनेस अच्छा चला रहा है. Nehemiah identified the problem. यहाँ पे नहमाया ने समस्या को समझा. He interceded for the people, repented and got connected to God. अपने लोगों के लिए पश्चाताप किया, परमेश्वर से जुड़ाव किया. He interacted with the powers to create a passage to Jerusalem. और शक्तिशाली लोगों के जाके उनसे बात किया. He investigated the property. और उसने वहां पे उस धन संपत्ति का जांच पड़ताल किया. And the next step that he took, और वो जो आगे का कदम उसने बढ़ाया, impartation of the purpose, और वहां पे किस चीज की जरूरत है उसी चीज को उसने किया. Let's read Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. और नहमाया का उसका दूसरा अध्याय. He gathered the people, और उसने वहां लोगों को इकट्ठा किया. He imparted the sense and shared why it was important to restore the walls of Jerusalem. और वहां पे क्या चीज की जरूरत थी, किस चीज को वहां सही तरीके से लगाना था, वो चीज का ध्यान दिया. The people caught the glimpse of the spiritual ramification and project brought into it. और जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के साथ में जो जुड़ाव होने चाहिए, जो हमें मिलके चलना चाहिए, उस चीज को वहां पे उसने लागू किया. They were able to rebuild the wall in record time. और उन लोग उस समय के दौरान उसे दीवार को सही तरीके से बनाने में सफल थे. Nehemiah collected all the people together. और नहमाया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया. He shared them the importance of building the wall. और उन्होंने उसको नहमाया ने बताया कि क्या किस लिए जरूरी है इस दीवार को हमें खड़े करने के लिए. Jerusalem is a place of worship. और यरूशलेम जो है एक आराधनालय. It's in danger and it needs to be restored. और उसे फिर से बनाने के लिए बहुत जरूरी है. What am I trying to do this morning to you? आज की सुबह मैं क्या कर रहा हूँ? I'm trying to impart a vision. और मैं एक अच्छी एक सोच आपके दिमाग में डाल रहा हूँ. I'm trying to infuse faith in you. और मैं आपके जो उस विश्वास को उसको घटित करना चाहता हूँ. I'm trying to encourage you. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. Above all, हर एक चीज. I'm telling you we can do it with God. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ हर चीज मुमकिन है, हम कर सकते हैं. With God we can rebuild. और परमेश्वर के साथ मिलकर हम पूर्ण निर्माण कर सकते हैं. Amen. Amen. Nehemiah identified the problem. और नहमाया ने समस्या को जात समझा. He interceded for the people. अपने लोगों के साथ मिलके परमेश्वर के कदमों में गया. He interacted with the powers. और वो जाके उन शक्तियों से जाके बात किया. He investigated the property. और वहाँ पे उस धन संपत्ति के बारे में जांच पड़ताल की. He imparted the purpose of building the wall. और उसने उस चीज वस्तु को बनने के लिए उसका कोशिश किया. And finally, he implemented the plan. और उसके बाद में वो जो समस्या जो प्लान था, योजना थी, उसको वहां पे उसने रखा. आफ्टर इम्पार्टिंग द पर्पस टू पीपल, और जब ये चीजें जो जरूरत क्या है वो बताने के बाद, ही इम्प्लीमेंटेड द प्लान, और वहां पे उसकी योजना को उसने रखा. ही डिवाइडेड मैड इन देयर प्लेस डिफरेंट प्लेसेस, और लोगों को उसने अपने अपने जगह पे उसने नियुक्त किया. ही ऑलरेडी हैड द रिसोर्सेज टू बिल्ड द वॉल, और उसके पास हर चीज वस्तु थी जिससे वो दीवार बना सकता था. डिफरेंट मैन्स वर प्लेस इन डिफरेंट पोजिशन, और जहां जहां अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे लगाए गए थे. They were able to build the wall in record 52 days. और वहाँ पे
52 दिनों में उन्होंने वो दीवार इतनी बड़ी दीवार को खड़ी कर दी. Let me tell you this, during that time there were no machineries. और उस समय आप देखिए कि उस समय आपको बताने के लिए मशीनरीज लोग नहीं थे. The wall of Jerusalem was not like Goan houses wall, small small walls. और हमारे गोवा के लोगों के जैसे घर होते हैं उस तरीके का दीवार नहीं था वो. It was huge. वो बहुत ही बड़ा था. If you go to Bijapur or Hampi, you will come to know what the size of the wall is. और अगर आप बीजापुर या हम्पी अगर आप जाते हैं घूमने तो आपको उस दीवार का साइज पता चले कितना है. Even then they were able to build in record 52 days. कठिन होने के बाद भी परमेश्वर के सामर्थ्य से 52 दिनों में बनाने के काबिल हुए. Isn't that amazing? और ये कितनी अच्छी बात है. How was Nehemiah able to do it? और किस तरह नेहमिया ने इस कार्य को. He identified the problem. उसने सबसे पहले समस्या को समझा. He repented and got connected to God. और उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से जुड़ाव किया. He interacted with the powers, with the authority. और जितनी भी शक्तिशाली पावर शक्तियां थी उनसे जाके मिला. He investigated the property, the problem. और वहां पे जाके समस्या के वहां पे जाके हर चीज का जांच पड़ताल किया. He was not able to build the wall by himself, so he imparted the purpose to all the people. और वो अपने अकेले के दम पे ये दीवार नहीं बना सकता था, इसीलिए जाके उसने उस योजना को लोगों को जाके बताया. And finally he implemented the plan. और बाद में जो उसकी योजना थी वो सफल हुई. What does the wall speak to us? और ये दीवार हमसे क्या बात कर रही है? It protects. और वो आपको बचाती है. It secures. वो आपको बचाए रखती है. It gives oversight. और आपको ऊंचाई का समझ मिलता है. It brings peace, stability and prosperity. और वो आपके जीवन में शांति लाती है, बढ़ोतरी लाती है. The wall was protecting. और जो यहाँ दीवार थी वो बचा रही थी. From danger of enemies. और जितने भी दुश्मन दीवार के उस पास से उनसे हमें बचा रही थी. It secured every people in Jerusalem. पूरे तरीकों को उन्होंने बचा के रखा. The height of the wall was so high, from top they could see if the enemy is coming to attack them. और वो दीवार इतनी बड़ी लंबाई में थी कि लोग वहाँ से अपने दुश्मनों को आते हुए देख सकते थे. And they were already prepared if the enemy is coming to attack them. और वो लोग तैयार थे, अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उनके पता हो जाता था. It brings peace and stability. और वो आपको शांति लाता है और आपको मजबूत रहने के लिए मदद करता है. Church, this morning I want to tell you. और कलीसिया आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ. If you are doing well in life. अगर आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं. It protects your family. वो आपके परिवार को बचाता है. It gives the stability to your family. और वो एक जगह से रुकने के लिए आपके मजबूत रहने के लिए कर रखता है और शांति देता है. Isn't that true? और ये क्या सच नहीं है? Today we all need to learn to rebuild our lives. और आज की सुबह हम में से हर एक किसी को सीखना है कि हमारे जीवन को पूर्ण निर्माण करे. The enemy may try to break you down. और दुश्मन शायद आपको तोड़ने की कोशिश करे. The enemy may say that you are not capable. और दुश्मन कहे कि आप इसके लायक नहीं है. Nehemiah was a captive. और यहाँ पे Nehemiah गुलाम था. He rose to a cupbearer's position. और वो एक मंत्री के रूप पे उभर के बाहर आया. He built the wall in record 52 days. और उसने 52 दिन के अंतर्गत उसने जो है दीवार को इतनी बड़ी दीवार बनाया. What is stopping you to rebuild your life today? और क्या आपको रोक रहा है कि आपके जीवन को आप पूर्ण निर्माण करने से? Are you thinking that I'm very low, I'm poor person, I'm not able to do that? और क्या आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बहुत नीचे का हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद मैं नहीं कर सकता? Nehemiah was a slave when he rose to the position of a cupbearer. और जब आप नेहमिया के जीवन में देखेंगे तो वो एक गुलाम था जब तक कि वो मंत्री नहीं बना. What is stopping you in rebuilding your life this morning? अभी आज आपको क्या रोक रहा है कि अपने जीवन को आप पूर्ण निर्माण करें? Get back to Jesus. Just यीशु मसीह के पास आप आ जाइए. Identify your problem. अपने समस्याओं को समझे. Repent and get connected. पश्चाताप करें और परमेश्वर से जुड़े. Interact with the authority. और जो भी शक्तिशाली लोग आपके आजू बाजू उनसे बात करें. Investigate the property. और वहाँ पे आके निरीक्षण करें, हर चीज का जांच पड़ताल करें. Impart the purpose. और वहाँ पे उस चीज की किस लिए जरूरत है वो बताइए. Implement the plan. और फिर अपने योजनाओं को सफल कीजिए. In closing, I want to read one portion of scripture from Jerusalem. और जरूसलम की मैं एक इससे. Sorry, in Jeremiah. जरमाया की पुस्तक से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा. Jeremiah chapter 29 verse 11. और ये जरमाया की पुस्तक उसका 29 का 11 पढ़ेंगे. It says, "For I know the plans that I have for you." और यहाँ पे वचन कहता है कि मुझे हर एक योजना पता है जो मैंने तेरे लिए की है. Declares the Lord. परमेश्वर ये कहता है. Plans for welfare. और पर हर एक योजना जो आपको आगे बढ़ाती है. And not for calamity. और उस जो आपको नष्ट करती है. To give you future and hope. और आपको भविष्य और एक आशा देने के लिए. Isn't that amazing? अच्छी बात है. The plan of God is to prosper you and not to harm you. और परमेश्वर की योजना है कि आपको बहुताय से बढ़ोतरी दे, ना कि आपको नष्ट करे. Nothing should stop you from rebuilding what your life, your business, your purpose. Nothing should able to stop you back.
और कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए दुनिया में जो आपको पुण्य निर्माण करने से रोके. Because God has already told his plan is to prosper you and not to harm you. और क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको बढ़ोतरी देना चाहता है ना कि आपको नष्ट करना चाहता है. He wants to give you a great future. वो आपको बहुत अच्छा भविष्य देना चाहता है. Amen. Amen. Let's start rebuilding our lives this morning. आज की सुबह से